नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SV कंप्यूटर सर में स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे एक्सेल में मिनिमम फार्मूला, मैक्सिमम और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, रोमन और LCM। इन सभी फार्मूले के बारे में हम जानेंगे बहुत ही बारीकी के साथ में कि इन फार्मूलों का यूज कैसे होता। तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा बना करके रखा हुआ है जिससे हम इन सभी फार्मूले के बारे में सीख पाएँ। तो यहाँ पर जो हमारा देख पा रहे हैं मिनिमम फार्मूले का यूज क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे कुछ संख्याएँ लिखी हुई हैं इनमें से मिनिमम संख्या कौन सा है उसको इससे क्या होता है मिनिमम वाले फार्मूले से छाँटा जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो जिसके लिए हमें यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल मिनिमम, यहाँ से MIN लगाएंगे। जैसे उसके बाद लगाने के बाद में क्या करना है, इस टोटल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सभी संख्याओं को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर सबसे मिनिमम, सबसे छोटी संख्या जो है इनमें से, इन सभी में से निकल करके आ जाता है। तो ये रहा मिनिमम का यूज। और नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम फार्मूले का यूज क्या होता है कि यहाँ पर भी मैंने संख्या कुछ लिख करके रखी हुई है और इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है वो बहुत ही आसानी के साथ मैक्सिमम फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जिसके लिए टाइप करना होगा इक्वल और मैक्स। जैसे ही यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसके बाद इस टोटल को हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है वो निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पे 9631 जो हमारा है ये सबसे बड़ी संख्या इनमें से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो है डेसिमल टू बाइनरी है। तो डेसिमल यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ डेसिमल संख्याएं लिख करके रखी हुई हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनरी संख्या निकालेंगे। मतलब ये जो 11 है, इस 11 संख्या को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले फार्मूले के द्वारा। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है और मैं टैब बटन को प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, तो ये हमारा पूरा फार्मूला सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस डेसिमल संख्या को सेलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेसिमल में 11 है, 11 की जो संख्या है हमारा यहाँ पर 1011, ये बाइनरी संख्या में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये हमारा 11 के बराबर है। और इस चीज़ को ड्रैग करेंगे उसी तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा टोटल फाइनल का। जैसे 15 है, 15 का 111 फोर टाइम वन होता है बाइनरी संख्याओं में, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपका फार्मूला है यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे हमने बाइनरी संख्याएं लिख करके रखी हुई हैं और इन संख्याओं को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए फार्मूला यूज करना होगा अब की बार बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल और उसके बाद में फिर इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो ये संख्याएँ जो है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जितने भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, डेसिमल। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रोमन। रोमन संख्या जानते ही हैं आप लोग। रोमन में क्या होता है कि ये हमने डेसिमल संख्या लिख करके रखा हुआ है और इस संख्याओं को हम क्या करेंगे, रोमन में कन्वर्ट करेंगे। तो जिसके लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा इक्वल रोमन। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोमन आ गया है। उसके बाद में इस संख्या को हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे 12 हमारा, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोमन में तुरंत का तुरंत कन्वर्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे ये पूरा फिल करने के लिए पूरा यहाँ से हम ऐसे लेफ़्ट वाला बटन दबा करके माउस से क्लिक करके यहाँ तक खींच करके हम इस सबको भी ला सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है, यहाँ पर आप आइए और ब्लैक का ब्लैक प्लस होगा, जैसे ही जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर वाइट प्लस है, इस पे आते हैं तो ये ब्लैक प्लस हो जाता है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है लेफ्ट से, तो डबल क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, पूरा अपने आप जो है ड्रैग हो जाएगा, ये सारी चीज़ों का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका यहाँ पे LCM। LCM फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। LCM यहाँ पे जो है आपका 5 और 8 का LCM जो हमारा निकलेगा
वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ में हम एलसीएम का फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिखा और इस वाली संख्या को सेलेक्ट कर लेना है और कामा देना है, फिर इस 8 को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ब्रेकर को क्लोज करके एंटर कर लेना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 8 और 5 का हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम निकल करके आ जाता है 40। तो यहाँ पे इसका जो है एलसीएम निकला है। और इसी तरीके से ही बड़े ही आसानी के साथ किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो भी है हमारा, उन सभी का हम एलसीएम निकाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर भी हम डबल क्लिक कर देते हैं और इन सब का निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और इन सब का भी निकल गया है। तो ये सारे फार्मूले थे आज के लिए। उम्मीद है आप सभी लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।